हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा कि हर किसी के दिल पे एक दस्तार लिख जाऊंगा, जाते जाते मैं जमी को आसमां लिख जाऊंगा। अगर किसी ने देखा आग भर के हिंद को, सरहदों पे खून के हिंदुस्तान लिख जाऊंगा, हिंदुस्तान लिख जाऊंगा। यह अंतिम यात्रा का काफिला देख रहे हैं जो आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादी के साथ लड़ते हुए शहीद जवान मोहित राठौर का अंतिम यात्रा का काफिला है। यह जवान देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को नौछावर कर दिए थे। आज शहीद जवान के तिरंगे में लिपटकर पार्थिव शरीर के सेना के विशेष वाहन से इनके पैतृक आवास पर लाया जा रहा है, जहाँ पे देख सकते हैं अंतिम यात्रा में हजारों दस हजारों का जनसैलाब उमड़े हैं। सभी हाथों में तिरंगा लेकर बाइक यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम जब तक सूरज चांद रहेगा, शहीद मोहित राठौर तेरा नाम रहेगा नारा से गूंज उठे पूरे पैतृक इलाका। शहीद जवान का एक साल पहले ही शादी हुई थी, मैच शादी के एक साल बाद ही जवान देश की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था शहीद जवान, 27 वर्ष के उम्र में अपने प्राण को नौछावर कर दिए। घर पर छोटी बहन की शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन इसी बीच रक्षाबंधन से पहले जवान की शहीद होने की खबर घर पर मिला तो परिवार परिजनों को रो रोकर हालत बुरा बन चुका था। शहीद जवान 2017 में भारतीय सेना में कड़ी मेहनत के साथ भर्ती हुए थे। लगातार 2017 से देश के अनेकों जगह सेवा देते आ रहे थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बीते दिन आधी रात को यह जवान जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सर्च ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान पाकिस्तानी आतंकी ने जवान के सीने में गोली मार दिया, जहां पर यह जवान गंभीर रूप से घायल हो गया। देखते ही देखते जवान दम तोड़ दिया, जबकि चार साथियों घायल है। बताया जाता है कि यह जवान उत्तर प्रदेश के बदायूं का रहने वाले थे। आज शहीद जवान के पूरे सैनिक सम्मान के साथ इनके पैतृक गांव सावा नगर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद जवान 2017 से देश के अनेकों जगह सेवा देते आ रहे थे। शहीद फौजी मोहित राठौर का 20 दिन पहले ही राजस्थान जैसलमेर से जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के लिए गए थे, और यह जवान 20 दिन बाद ही देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण को नौछावर कर दिए। 6 महीने पहले ही घर से ड्यूटी पर लौटे थे, लेकिन यह जवान शहीद हो गए। अपने माता पिता से फोन करके वादा किया था बहुत जल्द छुट्टी लेकर घर लौटूंगा, लेकिन जवान शहीद होकर तिरंगे में लिपट कर आज घर पर पहुंचा है। शहीद जवान की पत्नी का रो रोकर हालत बुरा बन चुका था, 1.5 वर्ष पहले ही शादी हुई थी, मैच शादी के 1.5 वर्ष बाद ही यह जवान शहीद हो गए हैं। शहीद जवान के कोई भी चिराग नहीं था, लेकिन अपने माता पिता का इकलौता बेटा देश की रक्षा करते हुए अपने देश के सुरक्षित रखने के लिए अपना ही जान को गवा बैठे। शहीद जवान उत्तर प्रदेश के बदायूं का सावा नगर गांव का रहने वाले थे। आज शहीद जवान के पूरे सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। सच में मेरे दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर रोती है। अगर शहीद जवान के लिए आप लोग को जरा सा भी रिस्पेक्ट हुआ तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखना।